सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुकी हूँ मैं फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं अपने रिलेटिव के आई हुई हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा ऐसे होगा क्योंकि मैं हाथ से पकड़ी हूँ, सो इसलिए थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेना। और सबसे अच्छी बात ये है यार, इस डिश में आज हम डिश कवर करने वाले, सबसे अच्छी बात डिश में ये है कि एक एक दिन में दोनों का रिप्लाई आ रहा, तो मज़ा आ रहा है सुनने में कि हाँ, समझ में आ रही चीज़ें, टाइम नहीं लग रहा ज़्यादा, एक दिन नहीं हो रहा, आज इसने डाल दो, कल उसने डाल दिया ऐसा। तो आज हम कवर करने वाले हैं किंग एक्स बेला, बेला भी साथ में, ओके एमी वे ने शॉर्ट आउट दिया था लेकिन यार, बट बेला मे बी किंग के साथ डिस कर रहे हैं एमी वे को, बट कोई नहीं। गाने का नाम है बंटी हम तेरी, आगे नहीं बोल सकती मैं, समझो थोड़ा आसपास पब्लिक है तो आप समझ जाओ गाने का नाम। चलो लेट्स गो, देखते हैं क्या है, लेट्स गो। या मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक हैं, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलौज से अच्छा गाना गाना ठीक है। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक। ये हुक बहुत जबरदस्त बना दिया यार, कि एमी मैंने कहा था मम्मी ठीक है और उसका हुक ही बना दिया, और इतने अच्छे से, मतलब मजा आ रहा है सुनने में, है ना। कहती पहले वाला नीच है, उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माई लाइव शो 91 नाइट। दर्जनों आर्टिस्ट सबकी मेहनत, खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। या काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छाटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें, पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की। तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, चार पांच पार्टनर जिसकी वजह से सुनने में मजा आ रहा है, क्योंकि किंग ने स्टार्टिंग काउंटर से किया वो मम्मी वाली चीज पे, वो अच्छा लगा, उसी को हुक में क्रिएट कर दिया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये कि एमी वे और जब कृष्णा की बीफ चल रही थी तो पता है क्या हुआ था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो वाली चीज उसको यूज किया अच्छे से। ये अब मुझे बेला का देखना है यार, बेला ने क्या कर दिया, मतलब बेला को तो शॉर्ट आउट मिला था ना, बट लेट मी टेल यू ब्रोस्की। तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, चार पांच पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल, और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला बंटी माने खुद को फॉरनर। आई एम सॉरी, मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि NF रस अकेले नहीं है, बंटा है रिकॉर्ड लेबल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं। एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके भाई का नाम क्यों लिखा। जाके सुनो गाने 144 पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा, करके आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा। गलती कौन संभाले, यूट्यूब रैपर भी नहीं था, मैं अकेला वहीं था जहाँ खड़ा विलियम डेफो, तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा। पर हर चीज पेड नहीं होती, ऑफिशियली जाने का तरीका, मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का। तुम मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राग का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। काउंटर 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 दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर, आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं, उतने का मेरा साउंड टैग कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। फिर से तू काउंट कर मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस तुझसे, कितने मांगे आंसर्स। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बचरा टीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है खुश बस दिस बना कर। I know they distributed तेरे सारे shit,
Do you know I give them biggest album, biggest hit? सबसे बड़ा independent catalog after Sidhu's hits. Trust me, I'm away. मजाक नहीं कर रहा है, really mean it. The gap is really big and the stack is really thick. Do not try to breathe twice if you cannot relive. तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है. Let me tell you, broski. तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी. ये कल्पना नहीं है और तू बावला है. स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किश्तें छाप रहा है. इंट्रो में चाट रहा है, आउट्रो शाउट आउट बांट रहा है. अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है. जब एक बर्तन में खाना नहीं, क्यों चूल्हे बांट रहा है. तेरा सूखा है लेक और विवियन से पानी मांग रहा है. जो तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है. और जो तू दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है. ये बार आगे का है, 26 में झांक रहा है. दो बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है. तीसरे की जरूरत नहीं, तू दूसरे में ही काप रहा है. पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है. मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है. तू आया नहीं, ये चीज अच्छा यूज किया है किंग ने, क्योंकि किंग के तरीके से डिस रिप्लाई किया था एमी वे ने, जबकि आज से पहले उनका कोई डिस ऐसा नहीं आया. तो उसको अच्छे से यहाँ पे यूज किया गया है कि तुम मतलब कि अब मेरे सामने तुम्हारी आवाज नीचे हो गई. जबकि सबको पता है कि ऐसा सीन पता नहीं यार, देखो वहाँ एमी वे की तरफ से ऐसा था कि उसको उसी के तरीके से रिप्लाई दे, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं हो जाती है ना. पहले किंग ने की तो वो कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग वो कॉपी मानते हैं उस चीज़ को. तो वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज किया है इस चीज़ को, मुझे ये काउंटर अच्छा लगा. बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है. तीसरे की जरूरत नहीं, तू दूसरे में ही काप रहा है. पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है. मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है. तू आया नहीं यहाँ पे, गलत फहमी का माजरा है. तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हाशिरा. लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है. इट्स सो डार्क टू सी, कोई अपनी बॉडी काट रहा है. खूनी गिरने दे रहा, अपनी जीप से बूंदे चाट रहा है. उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले. पट्टी बावला है. खैर छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खा मखा है. काउंटर इससे हो रहा नहीं, ये बातें जानी यहाँ से वहाँ है. अभी साबित करूंगा पंटी कितनी आवाज का है. ट्रस्ट मी, ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास का है. ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ. तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं. सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं और एक गाने वाला आउट्रो बढ़िया सिंगर को दे दूं. कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले. कभी भी हम तेरी ले ले. ये कुछ बहुत ज्यादा फन वे में नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एमी वे को नहीं किसी बच्चे को डिस कर रहे हैं भाई. ये कुछ मुझे फनी लग रहा है, ये सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत फनी लग रहा है अभी. बंटी हम तेरी ले ले, तुझे पता है मेरा नाम क्या है. Yo, Monopoly Moves, motherfucker. से ऐसा था. अब मुझे समझ में आ गया कि बेला ने वैसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एंड में आके ये चीज क्लियर कर दी कि मतलब इससे पहले वाले में जो एमी मैंने कहा था कि किंग बेला से हार गया था और तू सेकेंड ही रहेगा, विनर वही रहेगा, ऐसा शॉर्ट आउट मिला था उसमें. लेकिन अभी किंग और बेला की अच्छी बन रही है, साथ में गाना भी कोलैब हुआ है. तो बेला आई मीन किंग का ऐसा था कि मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब तुझे बेला ही देगा. तो इसीलिए उनको बेला को एंड में वो थोड़ा सा सिंगिंग मेलेडी वाला करवा दिया कि अब इसका जवाब खत्म हो गया यहीं पे. अब किंग आई मीन एमी वे की तरफ से दोनों को रिप्लाई आने वाला है, वो कुछ नेक्स्ट लेवल होगा. लेकिन मुझे लगता है ये बीफ अभी लंबा चलने वाला है यार. एमी वे का 5 वर्जन देखने में भी मचाएंगे, 5 देखने में हमें भी थोड़ा टाइम है. वो भी इस चीज़ को थोड़ा हल्के मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस चीज़ को उस तरीके से वो बनाएंगे. ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, बनाना होता तो सेकंड टाइम में बना देते. थोड़ा दोनों फन वे में कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुझे ऐसे मज़ा आ रहा तो तू वैसे ले, समझ रहे हो. तो मज़ा आया यार, मुझे मज़ा आया. हुक काफ़ी अच्छा था इसका, वो मेरे को अच्छा लगा. एंड किसी के लिए कोई हेट नहीं है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए कोई हेट नहीं है. दोनों को देखो, दोनों को बातें लगनी लगेगी, क्योंकि एमी वे भी आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं अपने पोजिशन पर, वो किए हैं तभी आए हैं. और किंग को भी लगी इसलिए क्योंकि किंग भी एमी वे को, अभी किंग का बहुत बड़ा एक नाम है, तब जाके उन्होंने एमी वे को जो भी है उनका चल रहा है अब हुआ है. तो इसलिए दोनों को एक दूसरे की बातें लग रही हैं.
तो देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता आप लोग बताना कि हमें मचाएंगे फाइव कब देखने वाला है, एमवी का वाला रूप कब दिखने वाला है, अभी दिखेगा टाइम में बताना आप लोग कमेंट में। और थोड़ा सा यार एंगल थोड़ा कैमरा हिल उल रहा है, थोड़ा सा समझो क्वालिटी का दिक्कत है, तो घर जाके मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करें, लाइव में करेंगे हम एक बार फिर से कवर, मज़ा आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। और अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी चैनल पर नया आप लोग को पता ही है, तो जल्दी से थोड़ा प्यार से सपोर्ट दिखा दो, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।